Welcome to Kalinga Tutorial, Santikanan Lane near FM College, Baleshwar. Online classroom for Plus 2 Science second year students. Welcome students, my class. Last class we have discussed about structure of flower. Flower ka structure bisoye padhile mu apnike repeat kar deuchi. Phular charita form thai, calyx ro individual member ko sepal kahanti. कोरोला रो इंडिविजुअल मेंबर को पेटल कहंती एंड्रोशियम रो इंडिविजुअल मेंबर को स्टामेन कहंती आउ गाइनोशियम रो इंडिविजुअल मेंबर को कार्पेल बा पिस्टिल कहंती आमे पढिले आज से पढिबा से स्टामेन उपरे पढिबा स्टामेन रो चित्र उपरे से पिला माने देखो आज रो पाठ होसी टी एस ऑफ एल्फा सो नाउ वी विल गो फॉर व्हाट इज एल्फा So, this is a stamen. ये हो चुका है stamen, male reproductive part. It has two parts. What are they? One is antha, another is filament. Antha and filament. Antha is fertile. And filament is sterile stalk. Fertile in the sense reproduction by reproductive gametophyte yani antha participation kare. Filament ro kaam hochi kono only it hold the antha and make it exposed. Eta ko expose kari thai. Aru kono conduction le help kare. Ye aru gotiye part achi. Dita antha ro dita lock thai. This is first law. This is second law. Duita law thai. Ye gote ye gote. Yaku jubil thai kichi connective tissue dwara jahaku ame kon kohiba connective. Kon connective. So stamen has three part. One is antha, filament and connective. According to some the connective is extension of filament. Filament jetebele भीतर को एक्सटेंड है एक्सटेंशन है जाय का ता को में कलेक्टिव कहला कंसीडर करला एंथा ला ए दीटा ला ये गोट ला ये गोट ला सो दीटा ला के जुड़ी के रहिस ए जुड़ने ना करे ऊपर एमति गोटा बाडीटा थिवो जेकि आगली अछि दिस इज कलेक्टिव तोर को जे एमति आ थिवो ताले हम फिलामेंट तम को पढला बेले एग्जाम को देखली जो सुष्ट चरात्र दंड कथा तबे हमर ए रिप्रोडक्टिव पार्ट रो जे फटाइल अछि ताको में काटी के देखिबा सो टुडेस टॉपिक इज टी एस ऑफ एंथा एंथा को हमें ट्रांसवर्स सेक्शन ले के देखिबा ताले ये हो जे गोटे एंथा इट इज बाइलॉग या को हमें एक पटेल के काट दो ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रांसवर्सली ट्रांसवर्स सेक्शन सो टी एस काटले एंथा का को इमिट का रखा दे So yes, अबे immunity काटी दीजिए। This one is connective, मज़े data log को जुड़ी ची। तो ना जब भी हमें antha और log data immunity का उधर है, ताकि हमें जुड़े जाए, थोड़ा सा एक बटे काटी देते। तबे ए जो data face को, हमें एक बटे करके देखना। That means इटा को उल्टे दबा, इटा को एक बटे करके देखिया। Look at here how it see, ये immunity का देखा जाए। तो दिस इज कलेक्टिव आमे एटा लेखिबा कलेक्टिव एंथा रे कोन लेखले
ना हमर एंथा होची पिला माने एंथा होची बाय लॉ कोन बाय लॉ यार तीनटा लॉ अछि ये गोटे लॉ ये गोटे लॉ बाय लॉ देखो जदि हम क्रिएस देखु जो ये ओवर चारि कोनिया देखा जाय सो वी मे राइट इट इज टेट्रा गोना बाय लॉ टेट्रा गोना एंड टेट्रा स्पोरांजिएट सो लेट अस कंसीडर व्हाट इज स्पोरांजिएट या भीतर पिला माने कोन तैयारी हबो ना या भीतर तैयारी हबो माइक्रोस्पोर तुम इतने लिखो जी या भीतर कोन हबो माइक्रोस्पोर बा ताको हम कोन कहिबा पोलेन जा हम उड़िया रा कहछु पराग रेणु तबे माइक्रो स्टैंड्स फॉर मेल मेगा स्टैंड्स फॉर फीमेल रिमेंबर दिस थिंग माइक्रो स्टैंड्स फॉर मेल मेगा स्टैंड्स फॉर फीमेल सो इट इज मेल पर सो यू राइट माइक्रो स्पोर स्पोर रेणु राज पराग रेणु से कि पाई कौन थी तो स्पोर जहां भीतर हुए तब पर कौन कही स्पोरांजियम हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे पढ़ी छ कौन ना जहां भीतर स्पोर तैयार हुए तब हमें स्पोरांजियम कहते हैं जनरल केस है जिनके पढ़ले जूस को जो पाउच भीतर हुए ताको हम पढ़तो ना जूस स्पोरांजियम सिमिति माइक्रोस्पोर जो पाउच भीतर जो सेफ भीतर बा जो थोरी भीतर हबो ताको हमें कौन कहिबा ना माइक्रोस्पोरांजियम तबे गोटे एंथा रे चारिटा माइक्रोस्पोरांजियम थाय तबे एमानकर नाम कोन ना माइक्रो स्पोरांजियम बा या भीतर के थाय पोलन रे थाय सो वी मे कॉल इट पोलन से बा चेंबर पोलन सेक और पोलन चेंबर पोलन सेक और पोलन चेंबर तबे देखिबा गोटे एंथर रे केतेटा स्पोरांजियम अछि 1 2 3 4 4 स्पोरांजियम सो दैट वी मे राइट हियर ईच एंथर इज बाइलॉग टेट्रागोनल एंड टेट्रा स्पोरांजिएट टेट्रागोनल एंड टेट्रा स्पोरांजिएट दैट इज टू स्पोरांजियम इन ईच लॉ प्रत्येक लॉ रे दीटा स्पोरांजियम का देखा पिला माने ये गोटा लॉ दीटा डॉट अछि एथि जदि पाइबा एपोर्ट टू गोटा लॉ एपोर्ट टू गोटा लॉ दीटा लॉ थाए सो प्रत्येक लॉ रे दीटा स्पोरांजियम थाए सो आवर एंथर इज बाय लॉ टेट्रागोनल टेट्रा स्पोरांजियम दैट मींस टू स्पोरांजियम व्हिच स्पोरांजियम माइक्रोस्पोरांजियम इन ईच लॉ प्रत्येक लॉ रे दीटा माइक्रोस्पोरांजियम थाए वर्तमान आसीबा ए एंथर रो टीएस नैचु यार टिश्यू सिस्टम देखिला एनाटॉमी टीएस ऑफ एंथर मींस हम यार एनाटॉमी पत्र देखिया मींस कोन कोन प्रकार टिश्यू कोन कोन प्रकार सेल या दे अछंती कोन कोन लेयर अछ फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस जे बाहर उठा आउटर मोस्ट लेयर माने कोन कहिबा ना एपिडर्मिस epidermis chalo sabko jaan le so this is called epidermis kon kala mane epidermis to bhai epidermis hocche gotiye layer thickness ya to paro pe layer tha se je gotiye single cell thickness tar tha यार नाम कौन है ना एंडोथेसियम रिमेंबर दिस वर्ड एंडोथेसियम पिला माने एपिडर्मिस पर हाइपोडर्मिस परिगो नहीं बट इज एपिडर्मिस देन एंडोथेसियम ए एंडोथेसियम का रेडियली इलॉन्गेटेड
सेल तैयारी थांती या तळ को कोणी पटे लिया रहियो कोण ना या तळ को जो लिया थाय ताको आपे कोण कहिबा ना मिटिल लिया तार थिकनेस कते ना थिकनेस होची 3 रु 5 लिया विशिष्ट थिकनेस थाय एमान सो पटे पटे लिया रो थिकनेस तार 3 रु 5 लिया ता पटे पटे जगह रे बेसी भी थांती So this is called medial layer. Medial. Now, आपको most important layer जो क्या करो सबसे important है. Which is the innermost layer? जेके innermost layer था इस एंथर चाइल्ड का वाल दिखते ये सबसे innermost and it is present immediately above the microsporangium. माइक्रोस्पोरांजियम रो इमीडिएटली अबव एंड इनरमोस्ट देखा बला माने 1 2 3 ये होची 4 नंबर लेयर सबुठो भीतर अछि आ माइक्रोस्पोरांजियम के लेखि जो माइक्रोस्पोरांजियम एटा माइक्रोस्पोरांजियम बा पोलन सैक रो इमीडिएटली अबव थाय व्हिच सराउंड्स द पोलन सैक इमीडिएटली दिस लेयर इज कॉल्ड टेपेटम ओके दिस लेयर इज कॉल्ड टेपेटम So till now we have four layers. What are they? Outermost epidermis, inner to which endothecium, inner to which middle layer, and the innermost layer is called tapetum, which is just immediately above, but immediately surrounds the pollen chamber or microsporangium. एक पॉइंट को प्रत्येक लॉब रे एक पॉइंट को हमें कौन कहेगा स्टोमियम जो पटे दे मैच्योर पोलन ग्लैंड गुड़ को बाहर को बाहर आने की ताकत पोलन दे सोच भैया हमें छः चैप्टर को डिस्कशन कर लिया नाउ कंसीडर अबाउट दिस फोर लेयर्स एक फोर लेयर भितरु एक जो तीनटा लेयर रहिला या कर मुख्य काम होची कोन प्रोटेक्शन दिस थ्री लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर But tapetum is mostly it is nourishing and secretory in nature. What nourishing? What do you mean by nourishing? Nourishing means जे nourish करे, जे खाद्य जुगाए, nutrient जुगाए थाए, nutrition जुगाए थाए. ए पोलन चैम्बर भितरे ये डेवलपमेंट हो ना पोलन ग्रंथि परागण आउ थे कोन छी ए पोलन सैक भितरे बा माइक्रोस्पोरांजियम भितरे ये डेवलप हो ना माइक्रोस्पोर्स बा जहां अन्य ना हो छी पोलन ग्रंथि पिला माने पोलन ग्रंथि ये माइक्रोस्पोर से तो माइक्रोस्पोर डेवलप डेवलप हो पाई के विभिन्न प्रकार न्यूट्रिएंट दरकार दिया न्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय टेपेटम से न्यूट्रिएंट गुड़ी को टेपेटम द्वारा ही सप्लाई होता है नेक्स्ट पंतु सिक्रेटर ए सब माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट हो या पर मेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट हो ए सब डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार मटेरियल ताकर केमिकल सब्सटेंस रो फॉर्मेशन पाई की विभिन्न प्रकार एंजाइम एंड अदर केमिकल दरकार हुए सही थ्रू केते को जिंस को ए टेपेटम सिक्रेशन करिथाय आउ थे कुछ विभिन्न प्रकार एंजाइम ईबिस बॉडी पोलन किट जहां विषय में आपको आसीबा एबे ओवर समय धरबा जे किछि केमिकल सब्सटेंस को टेपेटम सिक्रेशन करिथाय तेनु याको हम कोन कहि सिक्रेटरी इन फंक्शन एवं ये माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट रे न्यूट्रिशन जगाए बोली हमें अब नोरिसिंग भी कहिथाउ ये ला अभाव कथा चारिटा लेयर माउथ पर रिपीट करबी वर्तन पळे असना कोनी को ना हम कंसीडर अबाउट दिस पोलन सैक का एथी गोटा पोलन सैक एथी गोटा पोलन सैक गोटे लोब रे दीटा पोलन सैक बा पोलन चेंबर अछि मैं कहि छी रिपीट एक आछि छ दीटा पोलन चेंबर अछि प्रत्येक लोब रे टोटल लेयर थारे चारि तबे ए पोलन चेंबर भितरे किए खाए ए पोलन चेंबर भितरे किए थाए नाइ पोलन चैम्बर भित
भितरे किछि टिश्यू थांती किछि सेल टिश्यू थांती से टिश्यू गुडी को नाम कोन कोन टिश्यू करछि ए टिश्यू सब थांती ए टिश्यू को हमें कहिबा वेरी इंपोर्टेंट थिंग ए टिश्यू गुडा को हमें कहिबा कोन ना स्पोरो जीनियस टिश्यू पिला माने निकल दिया एनालिसिस करे आ गया नाम इमिति काई के जे तैयार करबा ए टिश्यू पोलन रे तैयार हो इन फ्यूचर पोलन रे नो अन्य नाम को माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप बा स्पोरो जनरेट करबले डेवलपमेंट करबले एको जा स्पोरो जीनियस टिश्यू आउ दि चार घंटा आपको पढ़ले तो बुझि पाले स्पोरो जीनियस टिश्यू एबे मते पिला माने कह टिश्यूटा कोन थरे तैयार हेथा ना टिश्यूटा जनरली ग्रुप ऑफ सेल सेल रे तैयार हेथा ता माने ए जो स्पोरो जीनियस टिश्यू ये कोन थरे तैयार हेथिवो ये सब सेल से तैयार हेथिवो कोन ना सेल से तैयार हेथिवो से सेल ता को हमें कोन कहबा माइक्रोस्पोर मदर सेल कोन कहबा माइक्रोस्पोर मदर सेल तार जितने को को पहुंचे पिला माने रखो ताले यहाँ ये जितने जो टिश्यू पेन जाए अचंती टिश्यू अचंती से टिश्यू रो कौन किस पिला माने स्पोरोजेनियस टिश्यू इस स्पोरोजेनियस टिश्यू भीतरे सेल अचंती ये माने ये गुटे 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 सब सेल गुटिया सेल को आगे इतनी ड्रो कर जाएगा ये प्रोग्राम गोटिए सेल पर मैं ड्रो कर जाएगा तबे स्पोरोजेनियस टिश्यू में दिवा प्रत्येक सेल डिफरेंशिएट्स मींस परिवर्तित होती एज माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन पता माने ये फ्यूचर में कौन बाहरियो पोलन ग्रेन बाहरियो पोलन ग्रेन का अन्य नाम कौन माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर को जे जन्म दबो ताको हम कौन कहिबा ना माइक्रोस्पोर मदर सेल एको सब डिप्लॉयड पिला माने मन रखो डिप्लॉयड के चाहि के सही जीवो या पर हैप्लॉयड के आसीबो बाय आके कौन कहि परिबा जेहेतु पोलन ग्रेन दिए तेनो हम कौन कहिबा पिला माने पोलन मदर सेल ओटा को हमें कौन कहिबा ना माइक्रो स्पोरो साइट्स माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर साइट आउ थरे बहुत चित्र मन देखो ये तो एंथर हुआ वाला हमें प्रत्येक एंथर जो चारिटा माइक्रोस्पोरम जो थाए बा पोलन चेंबर थाए ता भीतर जो टिश्यू गुड़ी को थांती से टिश्यू को हमें कौन कहला स्पोरोजेनियस टिश्यू से स्पोरोजेनियस टिश्यू रो प्रत्येक सेल बिहेव्स एज माइक्रोस्पोर मदर सेल देखो टिश्यू रो प्रत्येक सेल को हमें कौन बोलो माइक्रोस्पोर मदर सेल जे भीतर रहै बर्तन के पले छ या नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल ता ये फॉर्मेशन है कि डिवाइड है कि कहां को जन्म दबो ना ये डिवाइड है कि जो सेल को जन्म दबो जो सेल फॉर्मेशन करिवो ताकु हमें कौन कहिबा माइक्रोस्पोर्स ओके माइक्रोस्पोर को डेवलप करियो ते बहुत कथा हो गया ये कितना सेल है जी गोटिए सेल रु चारटा सेल है जी ओ प्रकार डिवीजन में हुए पुनि आपण क्लियर कर दो तुमको ये एन है जीवो 2f थिला 2f थिला एन हला गोटा सेल थिला चारटा सेल थिला ओ प्रकार डिवीजन याकू मेओसिस कहिबा अर्ध विभाजन ताले कि मेओटिक डिवीजन हुए ए मेओटिक डिवीजन रा विभिन्न प्रकार नाम थाय पिला माने जते बेले स्पर्मेटोजेनेसिस रे मेओसिस मेओ जो प्रक्रिया रे मेओसिस है कि स्पर्म तैयार हुए स्पर्म तैयार हुए बोले ताको स्पर्मेटोजेनेसिस उ ओभम जति तैयार हुए बोले ताको उ जेनेसिस कहि हम पढिसे स्कूल रे जूलॉजी रे पढिसे स्पर्म तैयार हुए बोले स्पर्मेटोजेनेसिस ओभम तैयार हुए बोले उ जेनेसिस सिमडिया कहलो माइक्रोस्पोर जति तैयार हुए को
মাইটোসিস কইলা ইয়েস মাইটোস্পোরোজেনেসিস তাহলে এই মিয়োসিস তো নাম হচ্ছে আমি কোন কইবা মাইক্রো স্পোরোজেনেসিস তাহলে আমি লিখি পারিবা কোন বাই দা প্রসেস অফ মাইক্রো লিসন কেয়ারফুলি বাই দা প্রসেস অফ মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস দা ডিপ্লয়েড মাইক্রোস্পোর মদার সেল প্রোডিউস ফোর হ্যাপ্লয়েড মাইক্রোস্পোরস ফোর হ্যাপ্লয়েড মাইক্রোস্পোরস বাট এই যে চারিটা মাইক্রোস্পোর হলা এমানে অলগা অলগা তৈরি হবে না কিছু সময় পাইকে সেমানে পরস্পর সহ অ্যাটাচ হয়ে রইবে কোন পরস্পর সহ অ্যাটাচ হয়ে রইবে ইন দ্যাট পিরিয়ড তাকু আমি কোন কইবা মাইক্রোস্পোর কো আমি এটা কোন কইবা মাইক্রোস্পোর টেট্রাড ও তাকু আমি কোন কইবা পলেন টেট্রাড তাহলে মনে রাখো তাকু আমি কোন কইবা পলে টেট্রা আউ সে কইছি মাইক্রোস্পোর মদার সেল মিয়োসিস প্রক্রিয়া রে যা কমে মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস প্রক্রিয়া কই কাউ সেই প্রক্রিয়া রে এ চারিটা হ্যাপ্লয়েড পলেন গ্রেন বা হ্যাপ্লয়েড মাইক্রোস্পোর সামনে হ্যাপ্লয়েড পলেন গ্রেন ও হ্যাপ্লয়েড মাইক্রোস্পোর দব যা কো আমি কোন কইনা পলেন টেট্রা কিছু সময় লাগি রইখান্তি পলেন টেট্রা বর্তমান এমান কোন সববেলা লাগি রইবে না এমান সববেলা লাগি রইবে নাই এমান ফ্রি হবে এমান মুক্ত হবে যাকো ফ্রি করিয়া পাই কি অ্যাটাচমেন্ট কো ব্লক কো ব্রেক করিয়া কো পড়িব যো কারণ পাই কি এমান লাগি কি অছন্তি সেই কারণ কো ভাঙ্গিয়া কো পড়িব তবে এমান লাগি কি থান্তে গটে ম্যাটেরিয়াল নাম হচ্ছে কালোজ तो या तो कालो सी ए एल एल ओ ए सी कालो को भांगीबा पाई की गोटे एंजाइम दरकार हुए जो एंजाइम का नाम होची कोन ना कालेज पढला माने मु कहतली फर्स्ट ईयर रे ए ए सी होची एंजाइम रो सफिक्स जिमिति तोमार पाई बडा क्वेश्चन होला कोन ना प्रोटीन को डिग्रेड करा के प्रोटीएज ये सब लिपिड को डिग्रेड कर के लाइपेज पेप्टिन को डिग्रेड कर के पेप्टिनेज सिमिलिया कालोज को डिग्रेड के करियो कालेज तेनु कालेज रो प्रभाव रे आसीले कालोज गुरा जो फ्यूज करि थांति हमन को कालोज नष्ट हे जीवो बाय द एक्शन ऑफ कालेज सो दैट दिस पोलर रेन्स बिकम्स थ्री ए माने कोन हे माने टी है जी मींस प्रत्येक अलग अलग है जी 1 2 3 4 ताने में लिखि परिया को 4 3 मुक्त हो जाय छती हैप्लोए पोलर और माइक्रो स्पोर्स माइक्रो स्पोर्स So we may write that by the action of enzyme calase, ये क्या है? ये enzyme. The pollen tetrad becomes separated and produce four or three haploid pollen or microspores. तो मैं question में arise the calase enzyme calase कौन प्रश्न? क्या पिला माने कहिले टेपेटोम इज आवर सिक्रेटरी इन नेचर टेपेटोम इज आवर सिक्रेटरी इन नेचर सो दिस कालेज इज प्रोवाइडेड बाय टेपेटोम कालेज इज सिक्रेटेड बाय टेपेटोम टेपेटोम नहीं था आउ ए जो फॉर्मेशन जो डेवलपमेंट ऑफ दिस सेल डिवीजन है छि ये सब फंक्शन गुड़ी तो है छि या पर की एनर्जी बा न्यूट्रिएंट दरकार हुए बा आगो को जों डेवलपमेंट हबो ता पर की न्यूट्रिएंट दरकार हुए त से न्यूट्रिएंट गुड़ी को ए सेम टेपेटम देखाय सो वी मे राइट दिया टेपेटम गिव नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल
and developing microspore. A microspore would be called developing condition. These microspores are in developing condition. So the tetracons supply nourishment, nutrient to microspore mother cell and developing microspore. Note the option. तबे आउ क्या तू रिपीट कर चुकी लावा ना जत्ती भी पढ़ाई की बुलो सो लेट अस कंसीडर अबाउट टीएस ऑफ स्टार्टिंग टीएस ऑफ एंथा जे बुझिनो आउ थने देखो टीएस ऑफ एंथा देखिबा एंथा को हम जदी काटिबा हमें देखू एंथा को दीटा लॉब अछि आ ता भीतर चारटा स्पोरांजियम अछि माइक्रोस्पोरांजियम बा जाको पोलेन से कहिला प्रत्येक लोब रे ये गोटे लोब रे चित्र अछि आरो हमरा मु लिखे दे छी प्रत्येक लोब रे दीटा माइक्रोस्पोरांजियम थाय आ ओभर चारटा थाय वर्तमान देखिबा वाल को देखो पिला माने मु एते कि चित्र करे छी ये एही भलिया पूरा थाय इमिटिया पूरा थाय आमे समय भाव पर केती करू छु तबे यार चारटा लेयर थाय कारो एंथा रो आउ टर्मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड चारि पटर थियो एई भलिया चारि पटर किंतु जो पिला माने मोर को करिसि किते 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 चारि पटर थिवो आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एपिडर्मिस बिलो व्हिच एंडोथेसियम इज प्रेजेंट बिलो व्हिच मिडिल लेयर इज प्रेजेंट ये होचे सिंगल लेयर थिकनेस ये होचे सिंगल लेयर थिकनेस ये होचे 3 टू 5 लेयर थिकनेस ये होचे सिंगल लेयर थिकनेस तबे बिलो द मिडिल लेयर एपिडर्म इज प्रेजेंट व्हिच इज इनरमोस्ट लेयर एंड प्रेजेंट जस्ट अबव बट इमीडिएटली अबव द पोलन सैक का इमीडिएटली अबव रे ये थाय द एपिडर्म इज नरिशिंग दैट मींस इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट और नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर अदर सेल एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर अदर सेल एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर एंड इट इज आल्सो सिक्रेटरी इन फंक्शन दैट मींस इट प्रोवाइड कॉलेज एंजाइम एबे कॉलेज एंजाइम तो आपको आउर केते केते कथा आछ जानबा और अलग जिंस होय सिक्रेशन करे सो दैट इज सिक्रेटरी इन फंक्शन एंड दिस थ्री आर प्रोटेक्टिंग इन फंक्शन नाउ कम टू द पोलन चैंबर बा पोलन सैक बा माइक्रोस्पोरांजियम द माइक्रोस्पोरांजियम सराउंड्स ए मास ऑफ सेल बा टिश्यू देखो पहले जो चित्र को से धरा जाए ता जी पोलन चैंबर ये सराउंड करता है कि चीज की सुधु राजा बैठा तो जो क्या है ए टिश्यू को हमें कौन कहेगा ना स्पोरोजेनियस टिश्यू कौन स्पोरो जिनियास टिश्यू नाउ ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू रो प्रत्येक सेल डिफरेंशिएट्स एज रिप्रेजेंट्स एज माने निजो को निजो प्रतिपादित करती रूपांतरित करती टू डिप्लॉय माइक्रोस्पोर मदर सेल तार अन्य नाम कोन पोलन मदर सेल बा माइक्रोस्पोरोसाइट व्हिच अंडर गो मेयोटिक डिवीजन ब्रैकेट लिखवा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड पोलन ग्रेन्स व्हिच रिमेन फ्यूज व्हिच रिमेन फ्यूज जुड़ी रहियो इंदिका फॉर सम टाइम फ्यूज फॉर सम टाइम कॉल्ड इन दैट स्टेज इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्रा और पोलन टेट्रा नाउ द पोलन टेट्रा इज गेट सेपरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम कॉलेज सिक्रेटेड बाय टेपेटम टेपेटम रु कॉलेज एंजाइम सिक्रेशन हुए जहां प्रभाव राशि की ये जो चारिटा पोलन टेट्रा फ्यूज है कि थांती दे गेट सेपरेटेड नाउ दीज आर फोर हैप्लोइड थ्री हैप्लोइड पोलन ग्रेन्स बट ओला हैप्लोइड स्टूडेंट रिमेंबर दिस एको सलीकला डिप्लॉय जनरेशन ये परे हैप्लोइड जनरेशन असला जहां पर हमें कोन को गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लोइड जनरेशन को हमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहता हूं ता माने यहां पर गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट स्टार्ट हो
male gametophyte or gametophyte,